हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वेज मंचूरियन बनाऊंगी। ये बड़ों और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा। और देखिए ये कितना अच्छा बना है। पहले पत्ता गोभी को धुल ले अच्छे से और उसको काट ले छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको चॉपर में अच्छे से बारीक कर लेंगे। हम पत्ता गोभी को कद्दूकस से या मिक्सी से भी चॉप कर सकते हैं बारीक। अब हमारी पत्ता गोभी बारीक हो गई है, बस इतना ही करना है। अब हम अपने पत्ता गोभी को एक बर्तन में डालेंगे। हमारी पत्ता गोभी 250 ग्राम है ये। इसके बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, ये एक प्याज है। अब हम अरारोट डालेंगे। अरारोट हमने 3 चम्मच डाला है। अब 2.5 चम्मच मैदा डालेंगे। एक चम्मच बारीक किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और देखिए अभी हमें थोड़ा मैदा कम लग रहा है, इसलिए हम मैदा को और थोड़ा डालेंगे। मैंने 1 चम्मच मैदा और डाला है। इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने टोटल 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच ही अरारोट डाला है। दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। जो मैंने गोभी का मिक्सचर बना के रखा था उसकी पकौड़ियाँ बना लिया है, एक प्लेट में रख लिया है। अब तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है, बस इतना ही गरम करना है। अब इसमें जो हमने पकौड़ी बना के रख लिया था उसको डालेंगे और उसको पकाएंगे। ऊपर हल्के हाथों से छन्नी से तेल डालते जाइए ताकि ऊपर भी हल्का हल्का पक जाए। अब इसको धीरे धीरे पलटाएंगे हल्के हाथों से, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अभी ये हल्का पका है, इसको अभी और पकाना है। धीमी आंच पे पकाइएगा ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बची हुई पकौड़ियों को तलेंगे धीमी आंच में। अब हमारी पकौड़ी हल्की ब्राउन हो गई है, इसको पलटा लेंगे और इसको नीचे से पकने देंगे अच्छे से। इसको धीमी आंच में अच्छे से पकाना है ताकि ये जले नहीं और अंदर से अच्छे से पक जाए। ये हल्के हल्के पक गए हैं, इसको थोड़ा सा और पकाना है। अब हमारी पकौड़ी अच्छे से पक गई है अंदर से, अब इसको बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारी पकौड़ियों को निकाल के अब हम इसको दोबारा फिर से पकाएंगे ताकि अच्छे से कुरकुरी हो जाए। इसको अब तेज आंच में पकाएंगे। इसको पलटाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छे से कुरकुरी हो जाए। अब ये सब अच्छे से पक गए हैं, इसको हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। अब इसमें 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है,
हम 2 कटे हुए मिर्च डालेंगे, कुछ हरी प्याज डालेंगे काट के। इन सबको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो ये जल सकता है नीचे से। अब 2 बड़े साइज में कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को भी हल्का हल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज को बस इतना ही पकाना है। इसके बाद हम सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हम 2 चम्मच डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और चिली सॉस में भी नमक होता है। अब 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद 1 कटोरी में हमने 2 चम्मच अरारोट डाला है और पानी डाला है। इसका एक घोल तैयार करेंगे। इसको अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें एक भी गुठली नहीं रहे। अब हमारा अच्छा घोल रेडी हो गया है, बस इतना ही लिक्विड होना चाहिए। अब हम मसाले में 2 ग्लास पानी डालेंगे। जो घोल हमने तैयार किया था उसको भी डाल देंगे इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये घोल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। हमारा पानी अच्छे से उबलने लगा है, बस इतना ही उबालना है। इसमें बनाई हुई सारी मंचूरियन डाल दें। अब इसको अच्छे से पकने देना है। ये अभी हल्का हल्का पक रहा है, इसको 5 से 7 मिनट तक अभी और पकाएंगे। इसकी ग्रेवी हल्की हल्की गाढ़ी हो रही है। अब देखिए ये अच्छे से पक गया है, इसकी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको एक बर्तन में हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। इसके ऊपर थोड़े कटे हुए धनिया और कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।